जब मैं एक्टिंग स्कूल में था तो मैंने एक फिल्म देखी थी पैटर्न, और जब मेरा एग्जामिनेशन था उसका, तो उस वक्त उन्होंने कहा था कि क्या करना, यू नो व्हाट इज योर सब्जेक्ट, तो मैंने बोला कि मैं पैटर्न करना चाहता हूँ। राज ने काफ़ी जॉनर्स पहले से ट्राई किए हुए हैं, घायल, घातक, एक्शन ड्रामास, कॉमेडीज, अदर थिंग्स। ही वॉन्टेड टू डू एन अनयूजुअल लव स्टोरी, सो ही सेड लेट्स डू एन अनयूजुअल लव स्टोरी। मैंने एक कहानी वर्कआउट की थी, द अनिल एंड माधुरी, नम्रता, ये तीन कैरेक्टर के इर्द गिर्द कहानी घूमती है, द लव स्टोरी। सो इट्स वेरी डिफरेंट, जो आज तक किसी लव स्टोरी में जो एंगल टच नहीं किया है, कोशिश हमने ये की है कि उस तरह से पेश किया है। राइट फ्रॉम द टाइम आई हर्ड द सब्जेक्ट आई थॉट दिस इज समथिंग डिफरेंट, दिस इज समथिंग विच विल मूव एवरीबॉडी, दिस इज समथिंग विच विल यू नो एक्साइट पीपल, यू नो इट इज टू स्टोरीज रैप्ड इनटू वन, वन इज अ लव स्टोरी, द अदर इज द patriotism. It's a love story, but the background is of the army, the paratroopers, which I'm playing in the film. मैं इसमें एक आतंकवादी का रोल कर रहा हूँ। इस कैरेक्टर का नाम आबरूश। माधुरी के साथ मैंने काफ़ी फिल्में की हैं और अच्छी अच्छी फिल्में की हैं, और फिल्में ऐसी भी हैं जो टाइमलेस हैं, जो लोग आज भी याद करते हैं। फिल्में राम लखन, परिंदा, तेजाब, बेटा, दे बी मेजर ह्यूज बॉक्स ऑफिस ब्लॉकबस्टर्स एंड फिल्म्स व्हिच आर गोइंग टू बी रिमेंबर्ड। तो हम लोगों को एक फिल्म ऐसी करनी थी, पुकार, ऐसी स्क्रिप्ट चाहिए थी जिसमें लोगों को ये, वी हैड टू मेक पीपल फॉरगेट दीज फिल्म्स। तो क्या करें, इट्स अ वेरी डिफिकल्ट टास्क, बट इन दिस फिल्म वी हैव सक्सीडेड। शी इज अ मिडिल क्लास गर्ल, जैसे आम लड़कियां होती है, उसकी ड्रीम्स होती है, उसका एक चाइल्डहुड स्वीटहार्ट है जय, दैट्स अनिल कपूर, और वो हमेशा ये सपना देखती है कि एक दिन बड़ी होकर उससे शादी करे। वी हैव ट्राई टू शो कि एक लड़की है जो ड्रीमर है, शी इज़ इन ओन ड्रीम वर्ल्ड वेयर शी ड्रीम्स ऑफ जय ऑल द टाइम, एंड देयर इज दिस जय हु इज एक्चुअली फॉलन इन लव विद समवन एल्स, दैट्स रियलिटी, दैट्स व्हाट इज हैपनिंग देयर, एंड दिस इज अ ड्रीम वर्ल्ड व्हिच शी इज जस्ट लिविंग इन हर ओन ड्रीम वर्ल्ड, सेइंग दैट ओके यू नो दिस इज आई एम गोइंग टू ग्रो अप एंड आई एम गोइंग टू मैरी जय। शी रियलाइजेस कि जय उसे प्यार नहीं करता, वो उस दूसरी लड़की से प्यार करता है, और कहीं उसके मन में ऐसे आता है कि क्यों ऐसा, मुझ में क्या कमी है। द सॉन्ग हाई जाना, ये बहुत ही इमोशनल गाना है, जहाँ लड़की इज़ ट्राइंग टू गेट जय'स अटेंशन। द मोमेंट वी थॉट ऑफ द सब्जेक्ट, ये फिल्म बनानी है, ये सब्जेक्ट वर्कआउट कर रहे हैं, तो द फर्स्ट नेम वॉज ए आर रहमान, हमने डिसाइड कर लिया था म्यूजिक ए आर रहमान का ही होना चाहिए, बिकॉज वी वांटेड सम डिफरेंट साउंड। आई थिंक माय फेवरेट सॉन्ग इज के सेरा सेरा, द सॉन्ग इज एन इंट्रोडक्शन इन द फिल्म। रहमान केम अप विद दिस ट्यून एंड दिस होल एटीट्यूड एंड एवरीथिंग, वी स्टार्टेड थिंकिंग दैट हुम शुड वी आस्क टू डू द सॉन्ग। आई थिंक बोनी जी मस्ट हैव रियली रैक्ड हिज ब्रेन्स विद राजी, अलग लगना है तो वी हैव टू टेक समवन हु इज नथिंग बट द बेस्ट, एंड हु एल्स कुड वी थिंक अबाउट बट प्रभुदेवा, बिकॉज ही हिमसेल्फ इज सच अ गुड डांसर, and he is also a very very good choreographer. Of course I was very nervous because Prabhu ji's style of dancing is very different, or I am used to a different style of dancing, so I think the first schedule that we planned main to bimar pad gayi. Mujhe aisa fear tha ki shayad, you know, kabhi kabhi actor hota na, ki actor hota hai because he is a hero also, to usko lalach hota hai main apne pe kar deta hu pura gana, you know, because he was choreographing. बट ही वेंट अकॉर्डिंग टू द स्क्रिप्ट, जो स्क्रिप्ट की डिमांड थी, जो उस लड़की का कैरेक्टर था, डांस के बावजूद स्टिल द स्टोरी इज मूविंग, यू नो इट्स वेरी रेयर दैट यू फाइंड इन अ फिल्म कि जो लड़की जो बात कर रही है, जो बोल रही है, दैट इज हर कैरेक्टर एंड स्टिल इट इज एंटरटेनिंग। माई पर्सनल फेवरेट सॉन्ग्स के बारे में कह सकता हूँ, वो मेरा हो सकता है कि व्यक्तिगत मेरे एक जाति फिल्म से इस ड्यूएट बिटवीन अनिल एंड माधुरी के, क्रिसमस से तुम हमको मिले हो कैसे छोड़ेंगे ये हाथ अब हम ना छोड़ेंगे। दिस सॉन्ग कम्स इन द सेकंड हाफ, इट्स इन द बेली ऑफ द सेकंड हाफ, इट इज द फर्स्ट रोमांटिक सॉन्ग इन द फिल्म, इट इज बेसिकली द कल्मिनेशन ऑफ द रोमांस बिटवीन द टू, इट इज द हाई पॉइंट नॉट द कल्मिनेशन, द रियलाइजेशन फ्रॉम द बॉयज पार्ट हु टिल देन वॉज नॉट अवेयर ऑफ द ग्रेविटी द इंटेंसिटी ऑफ द गर्ल्स लव, and this is when he realizes and he has to feel the way
the director had conceived, and for that we needed an openness, the vastness of whiteness. सबसे पहले हमने ट्यून ही गाने का फाइनल किया था हमने. ये गाना बहुत ही खूबसूरत सोनू निगम में अनुराधा पौडवाल ने गाने आवाज़ दी है. गाना आज भी जब मैं सोचती हूँ तो इट सेंड शिवर्स अप माई स्पाइन, क्योंकि हम लोग बर्फ पे शूटिंग कर रहे थे अलास्का में, बहुत ठंड थी वहाँ पे और मैंने शिफॉन साड़ी पहनी हुई थी. राजी को हमेशा वो ही वांटेड दैट द ब्रीज द साड़ी वाड़ी, तो एक जब लास्ट दो तीन शॉट बचे थे उतने में विंड स्टॉप्ड. मेरा सेडिस्टिक दिमाग जो है आया, मैंने बोला ये माधुरी को भी यू नो दिस इज द बेस्ट थिंग, अब एक काम कर लो. मतलब राजी एक काम करते हैं, दो तो हमारे पास हेलीकॉप्टर है तो एक हेलीकॉप्टर से हवा कर दे. वो बोले अच्छा ठीक है, तो ऊपर जो चॉपर उड़ रहा था बोले नीचे आओ नीचे आओ, चॉपर को नीचे ला रहे. एंड विद द ब्रीज ऑफ द चॉपर वी मेड हर साड़ी फ्लाई. कैन यू बिलीव द विंड चिल फैक्टर देयर? कैन यू बिलीव हाउ कोल्ड आई मस्ट हैव फेल्ट व्हेन द चॉपर वाज यू नो ट्राइंग टू व्हिप अप सम एयर फॉर मी. और मैंने पहली बार माधुरी कभी नेवर गेट्स अपसेट नेवर गेट्स एंग्री. आई स्टार्टेड स्क्रीमिंग. आई सेड नहीं ये लास्ट शॉट है, ये दिन का लास्ट शॉट है, मैं और नहीं कर सकती शूटिंग. फर्स्ट टाइम आई सॉ हर शाउटिंग This is my last shot. इसके बाद मैं शॉट नहीं दूंगी. क्या होता है जब आप वापस आके स्क्रीन पे वो गाना देखते हैं? Everything that you went through out there just disappears because it looks beautiful. The visual is just stunning. I mean, if you see the visual, it's something which has never come on Indian screen. मेरा एक फेवरेट सीन है, मुझे लगता नहीं लोगों का लगेगा, मगर एक सीन है जब माधुरी मेरे लिए खाना लेके आती है, हाँ, और वो आर्मी कंटोनमेंट में इज वेरी स्ट्रिक्ट, दे वेरी स्ट्रिक्ट, तो किसी कोई भी ऐसा सिविलियन आ नहीं सकता उसके अंदर. तो ये कैसे भी करके, बिकॉज उसका कैरेक्टर ऐसा है, यू नो शी इज़ अ वेरी कैरेक्टर हु इज केयर फ्री एंड बिंदास एंड यू नो दैट काइंड ऑफ कैरेक्टर, तो कैसे भी करके डॉज करके आर्मी ऑफिसर्स को. मुझे वो सीन बहुत पसंद है, इट्स वेरी लाइट एंड डन वेरी सटली एंड स्टिल क्वाइट ह्यूमरस. इस फिल्म में बहुत से सीन्स ऐसे हैं जो इन बिटवीन हैं, जो गुस्सा भी है, एंगर भी है, उसमें प्यार भी है, और ऐसे बहुत सीन्स हैं फिल्म में. देर आर फ्यू सीन्स विच आर वेरी लाइट वेरी कैजुअल, लेकिन उसमें भी टू परफॉर्म वॉज अ डिफिकल्ट पार्ट, बिकॉज दो द सीन्स आर कैजुअल, उसे अलग कैसे दिखाना है या वो कैरेक्टर कैसे बिहेव करेगा, कुछ एक हटके कुछ एक ऐसे लगना चाहिए कि शी इज़ अ वेरी इम्पल्सिव वेरी लाइक आई सेड कि उसका दिल है जो उसका दिमाग रूल करता है. और देयर इज अ वेरी वेरी कैजुअल सीन में वी आर वॉकिंग नियर द क्लॉक टावर जस्ट डिस्कसिंग स्टफ, तो उस सीन में से मेरा और अनिल जी का रिलेशनशिप आल्सो कम्स अक्रॉस वेरी वेल. देयर इज अ कॉमिकल साइड टू दिस कैरेक्टर आल्सो व्हिच इज वेरी मेक्स दैट्स द रीजन इट मेक्स द कैरेक्टर वेरी एंडियरिंग, यू नो ही कैन बी वेरी फनी दिस कैरेक्टर, यू नो. एंड आर्मी ऑफिसर बहुत सीरियस होगा, बहुत ये होगा, बट ही इज यू नो आर्मी ऑफिसर्स आर द मोस्ट लाइवलीस्ट पीपल इन ऑल द प्रोफेशन. और अनिल जी ने यही ध्यान में रखे कि सीन्स अलग लगने चाहिए, यू नो, फ्रॉम वॉट एवर वी हैव डन सो फार. और वी यूज़ टू रिहर्स, वी यूज़ टू सिट एंड सीन पे काम करते थे हम लोग बैठ के, शॉट से पहले पूरा सीन रिहर्स करके फिर हम लोग शूटिंग करते थे उसकी. तो दोनों की आइडियाज़ कि ऐसे क्यों नहीं करें ना ऐसे कर लें, या यू नो द डायरेक्टर्स आइडियाज़, तो वी वर्कड अराउंड ऑल दैट और उस हिसाब से हम लोगों ने फिर सीन्स शूट किए. इनिशियली एन एक्टर आई मीन अ राइटर डस गेट वेरी डिसअपॉइंटेड बिकॉज दिस इज नॉट हाउ आई इमेजिन्ड इट, बट दैट्स नॉट इम्पॉर्टेंट. डज इट स्टिल मेक अ कॉम्पिटेंट फिल्म और नॉट, एंड इज योर फ्रेमवर्क स्टिल इन एग्जिस्टेंस? दैट इज सॉर्ट ऑफ द ऑपरेटिव क्वेश्चन. इन पुकार टू अ ग्रेट एक्सटेंट दैट हैपेंड. इन सम सीन्स इन फैक्ट Anil as well as Madhuri took it beyond. They did. They took it beyond what I had imagined. Aisa situation aata hai jisme ye haar jata hai, humiliate hota hai, aur logon ke beech mein se is chala ja raha hai, aur log aake isko accuse karte hain. Especially there's a lady who comes and accuses him, and I think it's wonderful expressions there. I think this is their best work. I do feel so. I mean, now it is open to see what other people will say about it. I've been very close to the subject, but I think this is Anil Kapoor and Madhuri Dixit's best work. Raj Santoshi ke sath kaam karne mein hamesha maza aata hai kyunki wo ek aisa director hai jo alag alag kism ke subjects banata hai, actors ko chhoot deta hai, writers aur actors ke sath baith ke discuss karta hai ki hamari nazar mein jo character hum portray karne ja rahe hain wo kis tarah ka hai.
मेरे ख्याल से ये मेरी चौथी या पांचवी फिल्म है उनके साथ और हमेशा उन्होंने मुझे बहुत अच्छे अच्छे कैरेक्टर्स करने को दिए हैं. आफ्टर इंटरेक्टिंग विद दिस वेरियस डायरेक्टर्स, राज इज अमंगस्ट द बेस्ट एंड द मोस्ट कंप्लीट डायरेक्टर्स वी हैव. आई मीन आई सी अ स्ट्रीक ऑफ राज कपूर इन हिम. I see a streak of Gurudat in him. I see a streak of Bimal Roy in him. And that's a great combination. Rajkumar Santoshi, the kind of director he is, there is nobody better than him where the performances are concerned. Usse acha koi performance mere khayal se maine apne career mein nahi dekha. I think he's a very, very good director. For his actors, for the kind of films he makes, for his own capacity and passion. वो ये सोच के नहीं बनाते हैं कि एक चलो एक हिट फिल्म बनाएं या ऐसे. ही विल मेक फिल्म्स दैट कम फ्रॉम हिज हार्ट कि नहीं दिस इज़ द सब्जेक्ट एंड ही विल डू टोटल जस्टिस. काफ़ी मेहनत की है इस फिल्म के ऊपर एंड बट आई हैड ग्रेट सपोर्ट फ्रॉम एवरीबॉडी इन दिस फिल्म. पुकार यू कैन से इज अ ग्रेट एग्जाम्पल ऑफ टीम वर्क. मैं ये कहूँगा मैंने ही सिर्फ इस रोल के लिए काम किया तो दैट वो गलत होगा. इसमें मुझे काफ़ी मदद मिली है डायरेक्टर से, राइटर से, म्यूज़िक, प्रोडक्शन, एवरीथिंग. आशाएं तो बहुत बंधी रहती है हर फिल्म जिसके ऊपर हम लोगों ने मेहनत की है. मुझे लगता है कि ये फिल्म बहुत अच्छी चलेगी, लोगों को बहुत पसंद आएगी ये फिल्म. आई वुड लव इट टू बी अ बिग हिट. आई मीन हु वुडंट वांट देयर ओन फिल्म्स टू बी बिग हिट्स एंड आई वुड लव पीपल टू लव द फिल्म एंड लव द कैरेक्टर. माय इंस्टिंक्ट्स टेल मी दैट इट इज अ फिल्म which will touch everybody, which will move everybody. And everybody who ever sees this film will finally feel good coming out of seeing the film. बहुत ईमानदारी के साथ हमने काम किया है. हमने वक्त की परवाह नहीं की, फाइनेंस पर पैसे की परवाह नहीं की. सिर्फ एक ही मकसद था, एक ही उद्देश्य था कि एक हेल्दी एंटरटेनिंग फिल्म लोगों को देना है.